महागठबंधन के लोगों ने नीतीश कुमार जी को बुलाकर बेंगलोर में भारी बेइज्जती करने का काम किया। कांग्रेसियों ने कहा जिस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार हो उस प्रदेश में नीतीश कुमार जी को अनस्टेबल कहा गया और नीतीश कुमार जी की भारी फजीहत कराई गई। ये कांग्रेसियों की चाल थी कि नीतीश कुमार उनके गठबंधन में आए लेकिन उनका कोई रोल नहीं रहे, इसलिए आज बेंगलोर में जो स्थिति उत्पन्न हुई है नीतीश कुमार इसके लिए स्वयं दोषी। जितने लोग वहाँ इकट्ठा हो रहे हैं जिसको आप जुटान बोल रहे हैं उनमें जितने नेता हैं एक एक करके सबका देखिएगा तो सब लोग डिमोरलाइज्ड हैं। आप शुरू करिए तो सबसे बड़े नेता महागठबंधन के माने जाते हैं आदरणीय शरद पवार जी, क्या स्थिति है उनकी, पार्टी टूट चुकी है तो पूरी तरह से डिमोरलाइज्ड हैं। दिल्ली में ले लीजिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी आदरणीय अरविंद केजरीवाल, ज़रा सोचिए जी दिल्ली में किस प्रकार की तबाही मची है। दिल्ली की जनता उनसे अपेक्षा करती है कि भाई यहाँ रह करके हम लोग की सेवा करें और अरविंद जी गए हुए हैं कहाँ, तो बेंगलुरु, तो उनको क्या लग रहा होगा, उनमें डिमोरलाइज्ड हैं बिल्कुल पूरी तरह से। उनके कई साथी जो हैं जेल के अंदर हैं तो भी डिमोरलाइज्ड हैं। आप चले चलिए कलकत्ता, कोलकाता में क्या हाल है, ममता बनर्जी भी डिमोरलाइज्ड हैं। आप वहीं देख लीजिए साउथ में चलिए, बगल में तमिलनाडु, उनके जो स्टालिन साहब हैं वो खुद डिमोरलाइज्ड हैं। तो ये पूरा का पूरा अगर आप देखिए तो हमारे बिहार का भी हाल ले लीजिए, तो यहाँ से जो गए हैं नीतीश बाबू आप जान रहे हैं क्या स्थिति है। आप अखबारों में देख रहे हैं क्या क्या खबरें आ रही है, किस प्रकार असहज महसूस कर रहे हैं जो RJD JDU के नेता लोग कार्यकर्ता लोग, तो स्वाभाविक है कि उसका प्रभाव नेता पर पड़ता है। तो जितने लोग वहाँ इकट्ठा हो रहे हैं वो सब लोग किन्हीं न किन्हीं कारणों से डिमोरलाइज्ड हैं। तो डिमोरलाइज जो लॉट है जी वो कैसे कोई समर जीत सकता है, समर जीतने के लिए मनोबल ऊंचा होना चाहिए। मनोबल उनका क्या ऊंचा होगा, सब तो अपने अपने कारनामों के कारण अपने अपने चलते अपने अपने व्यक्तित्व के चलते फंसे हुए। तो जो वहाँ जुटान हो रहा है गए हैं नीतीश बाबू गए हैं खाएंगे, उससे आगे कुछ होने वाला नहीं है। और जहाँ तक 26 दलों की बात है तो पटना में 17 दल थे तो वहाँ जितने भी छोटे छोटे दल हैं सब आए इकट्ठा हुए। आपको तो पहले मैं भी बता चुका हूँ 2019 में भी यूनाइटेड इंडिया के बैनर के तहत काफ़ी जुटान हुआ था, रिजल्ट क्या निकला, अंत में टाई टाई फिश।